हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। आज हम करेंगे केमिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 7, जिसका लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थ्योरी पार्ट और बुक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है चैप्टर नंबर 7 की, एयर एंड एटमोसफेयर। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये भी कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हमारा पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। आपको कुछ भी किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमें जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले आपको चैप्टर पूरा रीड करना होगा अच्छे से, सिंपल से चैप्टर्स है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने अच्छे से 2-3 टाइम्स चैप्टर रीड कर लिया तो आप आसानी से ये सब कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कोई भी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में हमने बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा था पूरे चैप्टर में, तो उन्हीं में से कोई भी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दीजिए। तो 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन आर, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में हल्का सा स्लाइटली सॉल्युबल होता है, स्लाइटली मीन्स हल्का सा सॉल्युबल होता है, मिक्स हो सकता है यानी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी दी हुई, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं कर सकती ऑक्सीजन। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ये ना तो इसका कलर होता है इस गैस का, ना ही इसका कोई ऑर्डर होता है, यानी कि ना ही स्मेल होती है, ऑर्डर मीन्स स्मेल। ठीक है, और ये है टेस्टलेस गैस है, टेस्ट भी नहीं होता है। तो ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 5 एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, जिन पार्टिकल्स से होता है ना, जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं उसी को हम एयर पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो कोई भी 5 एयर पॉल्यूटेंट्स के नाम आपको बताने हैं। तो कौन कौन से, आपके स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्लांट्स का पोलन जो होते हैं। ठीक है, प्लांट पोलन जो होते हैं, ये आपके 5 एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। नेक्स्ट करते हैं हम, राइट एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। स्मोक के कोई भी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स लिखने हैं आपको, स्मोक हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक आर, सॉरी 2, ठीक है, क्या है, इट कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लगती हैं। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। और दूसरा क्या है, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसीजेज, और ये रेस्पिरेटरी डिसीजेज भी करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने में जो परेशानी होती है उससे कोई बीमारियां भी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अस्थमा हो जाता है किसी किसी को, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं रेस्पिरेटरी डिसीजेज में, तो वो बीमारी हो जाती है इंसानों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट कॉल्ड एलोट्रॉप्स। कुछ एलिमेंट्स आपके ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल स्टेट सेम रहती है। फिजिकल स्टेट यानी अगर वो एलिमेंट आपके सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेंगे, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेंगे सारी फॉर्म्स में, और गैस फॉर्म में है तो गैस ही रहेंगे, हर जितनी भी उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है उन एलिमेंट्स की। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। कौन से एलिमेंट, जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में, लेकिन उनकी जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स है उनकी सेम फिजिकल स्टेट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 मेन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन द ताजमहल। ताजमहल पर एसिड रेन के कोई भी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स आपको बताने हैं। द एमिशंस फ्रॉम नियर बाय रिफाइनरी एंड फैक्ट्रीज कॉजेस व्हाइट मार्बल ऑफ ताजमहल टर्निंग इनटू येलो एंड इज वेदरिंग अवे। ताजमहल के आसपास बहुत सारी रिफाइनरीज और फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो उनमें से जो भी एमिशंस होते हैं हार्मफुल एमिशंस, यानी कि जो भी धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, या फिर जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स निकलते हैं उस उन फैक्ट्रीज से, उससे जो ताजमहल का जो व्हाइट मार्बल था वो आज येलो पड़ने लग गया, और वो वेदरिंग अवे यानी कि खराब होता जा रहा है उसका जो मार्बल है। ठीक है, तो ये 2 हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, क्या, व्हाइट से येलो हो रहा है और वेदरिंग अवे हो रहा है, यानी कि उसकी लेयर बाय लेयर खराब होती जा रही है दिन पर दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, हमने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन की रेट को ऑल्टर कर देता है, यानी कि स्लो हो रही है तो उसे फास्ट कर देता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट। लेकिन वो कैटलिस्ट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ स्पीड में हेल्प करता है। ठीक है,
मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है वो आपकी स्लो स्पीड में हो रही है तो उसे फास्ट करवा देता है, समझ में आया? तो वो काम होता है कैटलिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्बल कैंसर? मार्बल कैंसर क्या होता है? कोरोजन ऑफ द मार्बल ऑफ ताजमहल, ताजमहल का जो मार्बल है, जो ताजमहल का जो पत्थर है उसका जो कोरोजन हो रहा है, जो वो खराब हो रहा है, उसी को मार्बल कैंसर बोलते हैं। साइंटिस्ट ने ये नाम दिया है। सो कोरोजन ऑफ द मार्बल ऑफ ताजमहल इज रेफर्ड एज मार्बल कैंसर बाय द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने ऐसा नाम उसको दिया है। तो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए। हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट है, हाउ इज ऑक्सीजन प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर? ऑक्सीजन वाटर से कैसे प्रिपेयर करी जाती है? वाटर से, ठीक है। तो कैसे करते हैं? ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन को लार्ज स्केल पर बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है वाटर से, करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवा के, यानी कि करंट पास करवा के। इलेक्ट्रो मीन्स करंट और लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो वाटर का ब्रेक डाउन होता है करंट से। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, द इलेक्ट्रोलाइट इज वाटर। जिस एलिमेंट का या फिर जिस भी सॉल्यूशन का आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना होता है उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो वाटर आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, विच इज मेड एसिडिक। वाटर को एसिडिक बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड डालकर, ठीक है, एंड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। और जब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, द वाटर स्प्लिट्स इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर है वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है टू पार्ट्स में। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है उसमें से, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। लेकिन कब होता है? जब वाटर को एसिडिक बना देते हो सल्फ्यूरिक एसिड डालकर और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो। फिर क्या होता है, द हाइड्रोजन कलेक्ट्स एट कैथोड। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका हो गया कैथोड। तो हाइड्रोजन जो होता है वो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर आकर कलेक्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो आपका एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आकर कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन आपका प्रिपेयर होता है वाटर से। नेक्स्ट, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द कंपोजिशन ऑफ एयर। आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें आपको एयर का कंपोजिशन दिखाना है। तो ये रहा आपका, आपको ऐसे ही कलर में बनाना होगा, ठीक है, ताकि अलग 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 जो कंपोजिशन है, जो कंपोनेंट्स हैं एयर के, वो आप उन्हें सेपरेट दिखा सको, और उनके रेशियोज जो परसेंटेज हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.9% है, आर्गन गैसेस जो होती हैं 0.9% हो गई, और ये ऑरेंज वाला पार्ट है अदर गैसेस, जो बाकी की थोड़े थोड़े अमाउंट में गैसेज होती है वो हो गई 0.17%, एंड ये रेड पार्ट जो है छोटा सा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, जो होता है आपका 0.03%। तो ये आपका composition of air हो गया through a diagram। Next question है, list any two harmful effects of air pollution on। आपको नीचे कुछ words दिए हुए हैं, ठीक है, उन पे के दो harmful effects बताने हैं कि air pollution का उन पर क्या harmful effect पड़ता है। सबसे पहला है environment। Environment पे क्या effect पड़ता है air pollution का? First है, it creates acid rain। जब एयर पॉल्यूशन होता है तो एसिड रेन होती है, एनवायरनमेंट में तो होती है एसिड रेन, ठीक है। इट क्रिएट्स एसिड रेन विच कैन डैमेज प्लांट्स, चेंज सॉइल टेक्सचर एंड कैन ऑल्सो ऑल्टर दी प्लांट ग्रोथ। तो एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है एयर पॉल्यूशन का? एसिड रेन बनती है, एसिड रेन से प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं, सॉइल खराब होने लगती है, और प्लांट की ग्रोथ भी ऑल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। और क्या दूसरा हार्मफुल इफेक्ट है, दो लिखने हैं ना, इट में लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है, विच में फर्दर लीड टू मोर नेचुरल कैलमिटीज। ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है एयर पॉल्यूशन से, जिससे आगे आपकी नेचुरल कैलमिटीज यानी कि डिजास्टर्स हो सकते हैं। अब दो हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं आपको, ह्यूमन बींग्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है एयर पॉल्यूशन का। फर्स्ट है, प्लांट पॉलन्स में कॉज एलर्जीज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो प्लांट पॉलन्स होते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में उनसे एलर्जीज हो सकती हैं ह्यूमंस को। और लेड पार्टिकल्स कैन डैमेज दी नर्वस सिस्टम। और लेड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये भी तो एयर, मतलब जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें से ही तो निकलते हैं लेड पार्टिकल्स छोटे छोटे, तो वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, वो जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम में जाते हैं, तो ह्यूमन बींग्स को का जो नर्वस सिस्टम होता है वो डैमेज होने लगता है। तो ये तो हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए एयर पॉल्यूशन के एनवायरमेंट पर और ह्यूमन बींग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम टू शो द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपको एक वेल लेबल डायग्राम, वेल लेबल्ड मीन्स क्या होता है, अच्छे से लेबलिंग होनी चाहिए एक एक चीज की, क्या चीज है, एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें आप लैब
लेबोरेटरी प्रिपरेशंस दिखाएंगे कि लैब में ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करके। डिकम्पोजिशन मीन्स होता है ब्रेक डाउन करना, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का इसमें आप ब्रेक डाउन करोगे। तो डायग्राम में क्या है, ये आपका फ्लास्क हो गया, ठीक है, फ्लैट बॉटम वाला फ्लास्क हो गया। ये ऊपर आपने एक टेस्ट ट्यूब ऐसे लगाई हुई है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन डाला आपने इसमें, ठीक है, फिर क्या करा, और तो ये क्या है आपका, यहाँ पर इस वाली ट्यूब में क्या है आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन है। नीचे आपने कैटलिस्ट यूज किया है मैग्नीज ऑक्साइड का, ठीक है, वो कैटलिस्ट डाला आपने। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन इसमें आएगा फ्लास्क के अंदर, तो आप वाटर में क्या देखेंगे, क्या देखेंगे कि कुछ बबल्स बन रहे हैं इस वाटर में, यहाँ से कुछ बबल्स प्रोड्यूस होंगे जो यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। वाटर को आप यहाँ पर वाटर लिया हुआ है आपने, ये जो बबल्स बन रहे होंगे वो यहाँ से, यहाँ गैस जो बन रही होगी वो यहाँ से आकर आपकी इस टेस्ट ट्यूब से यहाँ पर पास हो जाएगी वाटर, ठीक है। जो आपको बबल्स बनेंगे तो ये पता पड़ेगा कि गैस बनी है, और ये गैस जब कलेक्ट कर लोगे और आपसे एक ग्लोइंग स्प्लिंटर से क्या करोगे, बर्न करने की कोशिश करोगे, तो वो एक ग्लोइंग सा स्पार्क छूटेगा, स्पार्क छूटेगा, जिसका मीनिंग हो गया कि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है आपकी, समझ में आया। ये आपने फ्लास्क में मैंगनीज ऑक्साइड पाउडर लिया हुआ है कैटलिस्ट के रूप में, हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन इसमें आया तो कुछ गैस टाइप बना, वो गैस जब इस वाटर में पास हुई तो कुछ बबल्स बनते हुए आपको दिखाई देंगे, तो बबल्स बने हैं यानी कि आपकी गैस बनी है। और ये अगर आपको ये प्रूफ करना है कि कौन सी गैस बनी है, तो उस गैस को आप क्या करोगे, स्प्लिंटर से ग्लो करने की कोशिश करोगे, अगर वो एक स्पार्क सा क्रिएट करती है, स्पार्क क्रिएट होगा तो यानी कि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई आपकी। तो ये डायग्राम के थ्रू हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट एनी थ्री वेज बाय विच वी कैन कंजर्व एनर्जी एंड हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। कोई भी ऐसे तीन तरीके बताने हैं, ठीक है, जिससे आप एनर्जी को कंजर्व यानी कि बचा के रख सको और एयर पॉल्यूशन में रिड्यूस हो, यानी कि एयर पॉल्यूशन कम हो, तो उसमें मदद कैसे कर सकते हो आप, कोई भी ऐसे थ्री वेज बताने हैं। सो आंसर आएगा आपका, थ्री वेज आर, क्या है थ्री वेज, यूज स्टेयरकेस इंस्टेड ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट की जगह स्टेयरकेस का यूज कीजिए, सीढ़ियों का यूज कीजिए, लिमिट द यूज ऑफ एसीज एट होम, एयर कंडीशनर्स का घरों पर जो घर में जो एसी चलते हैं उनका यूज लिमिट में करिए, और मेक ग्रीन बिल्डिंग्स, और ग्रीन बिल्डिंग्स बनाइए, तो इससे क्या होगा, आप एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं और एयर पॉल्यूशन भी कम होगा। ग्रीन बिल्डिंग से मतलब है बिल्डिंग्स पे प्लांट्स लगते हैं ना आजकल, तो वो चीज लगवानी चाहिए जिससे फ्रेश एयर मिलती रहेगी सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन एयर। अब आपको नीचे कुछ गैसेस के नाम दिए हुए हैं, उन जो एयर में प्रेजेंट होती है उन सभी के आपको कोई भी दो दो यूजेस बताने हैं, सबके हमने टेबल में पढ़े थे, आप कोई भी टू यूजेस आपको जो आसान लगे आप वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहली गैस दी हुई है आपको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट फर्टिलाइजर्स, प्लांट फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में, और किसमें यूज होता है, इन पैकेजिंग ऑफ फूड, फूड पैकेजिंग में, क्योंकि ये इनर्ट होती है नेचर में नाइट्रोजन गैस, यानी कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो जैसे आपके चिप्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है। नेक्स्ट गैस दी हुई है आपको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेसेसरी होती है कंबशन प्रोसेस के लिए, और इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जाता है, और फिजी ड्रिंक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक में गैस होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट गैस दी हुई है आपको नोबल गैसेस, नोबल गैसेस आपको पता है जो इनर्ट होती है नेचर में अपने, तो कोई भी दो नोबल गैसेस के आप यूज लिख सकते हैं। क्रिप्टन होती है विच इज यूज इन फोटोग्राफी, एंड आर्गन विच इज यूज टू फिल लाइट बल्ब्स, जिसे यूज किया जाता है लाइट बल्ब्स में फिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेंशन द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूटेंट्स। अब कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स आपको बताने हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपकी एयर पॉल्यूटेंट, जब एयर पॉल्यूशन होता है बहुत ज्यादा तो उसमें होता है ये सब, ठीक है, ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हार्मफुल इफेक्ट पता है, इंक्रीज लेवल्स लीड टू सफोकेशन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एयर में तो सफोकेशन होने लगता है, यानी कि दम घुटने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज एसिड रेन एंड इरिटेशन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उससे एसिड रेन बनती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इरिटेशन होने लगती है। स्मोक,
स्मोक में क्या है, इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी, विजिबिलिटी यानी कि दिखना कम हो जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब रिलीज होते हैं रिफाइनरीज से, फैक्ट्रीज से, दे कॉज अ होल इन दी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो होल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो वो इन्हीं वजह से बढ़ता जा रहा है क्योंकि ज्यादा ज्यादा फैक्ट्रीज सेटअप होते जा रहा है, तो फैक्ट्रीज से हार्मफुल पॉलिटेंट्स निकलते हैं, तो वो ओजोन लेयर जो है जो हमें प्रोटेक्ट करती है ठीक है हार्मफुल रेस से, वो बढ़ती बड़ा होता जा रहा है वो होल। नेक्स्ट है प्लांट पॉलन्स, एलर्जीज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। प्लांट के जो पॉलन्स होते हैं उससे एलर्जीज होने लगती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट आई ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम एंड एक्सप्लेन हाउ ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। आपको एक डायग्राम बनाना है और ये बताना है कि ऑक्सीजन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करके, पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन करके, पोटेशियम क्लोरेट का ब्रेक डाउन करके आप कैसे ऑक्सीजन प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको यही एम में लिखना है कि आप क्या करने वाले हो इस एक्टिविटी के थ्रू, टू प्रिपेयर ऑक्सीजन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको, पोटेशियम क्लोरेट चाहिए, मैंगनीज डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर ट्रॉफ होता है ये ट्रे होती है जिसमें वाटर फिल्ड होता है, एक बीहाइव शेल्फ चाहिए, एक हार्ड ग्लास ट्यूब और एक रबर कॉर्क चाहिए। प्रोसीजर में क्या करेंगे आप, जैसे आपको डायग्राम में सेपरेट एपरेटस सेटअप दिखाया है वैसे आपको करने हैं सारा सामान सेटअप। फिर पोटेशियम क्लोरेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड को आपको हार्ड ग्लास ट्यूब में लेना है, यानी कि इस वाली हार्ड ग्लास ट्यूब में आपने क्या क्या डालना है, पोटेशियम क्लोरेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड डालना है और उसे टेस्ट ट्यूब को हीट करना है स्ट्रॉन्गली। यहाँ से आप हीट बर्नर से हीट करेंगे ऑब्जर्वेशन और फिर क्या कंक्लूजन निकलेगा ये देखते हैं। गैस प्रोड्यूस रिकाइंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर प्रूविंग दैट इट इज ऑक्सीजन। तो गैस जो प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, एक गैस प्रोड्यूस होगी जो इस टेस्ट ट्यूब से इस वाटर में पास आउट हो जाएगी ठीक है, फिर आप उसे ग्लोइंग स्प्लिंटर से टेस्ट करेंगे तो वो स्पार्क क्रिएट करेगी जो आपको ये प्रूफ करता है दैट इट इज ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन ऐसे प्रिपेयर होती है पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन करवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू डिफरेंसेस, दो डिफरेंसेस लिखने हैं। सबसे पहला डिफरेंस आपको लिखना है रेस्पिरेशन और कंबशन के बीच में। रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस होता है जबकि कंबशन एक फास्ट प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन अकर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर, रेस्पिरेशन आपका नॉर्मल टेम्परेचर्स पे होता है जबकि कंबशन होने के लिए करवाने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। रेस्पिरेशन सम एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। रेस्पिरेशन में क्या होता है, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है हीट की फॉर्म में, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है थोड़ी सी यानी ठीक है। कंबशन में क्या होता है, लेकिन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट की फॉर्म में एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और रेस्पिरेशन में क्या है, इट इज अ नेचुरल बायोकेमिकल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, जबकि कंबशन आर्टिफिशियल होती है, करवाई जाती है ठीक है। नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिफरेंस आपको पता होगा ठीक है। कंबशन आपकी आर्टिफिशियल फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका रस्टिंग और कंबशन के बीच में। रस्टिंग स्लो प्रोसेस होता है, कंबशन बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। रस्टिंग बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी। ऑक्सीजन और रस्टिंग की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों ही जरूरी होते हैं। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी पढ़ी थी ठीक है, थ्री टेस्ट ट्यूब्स में आपने नेल्स डाले थे, किसी में वाटर था, किसी में नहीं था, किसी में कुछ एब्सेंट था ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटी करी थी ना जिसमें हमने प्रूफ किया था कि रस्टिंग की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों ही नेसेसरी होते हैं, जबकि कंबशन आपकी सिर्फ ऑक्सीजन ही जरूरी होता है उस कंबशन की प्रोसेस के लिए। रस्टिंग के लिए अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। रस्टिंग में क्या है आपका, एक बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट रिलीज होता है एनर्जी का, जबकि कंबशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। रस्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो स्लोली स्लोली होता है, और जबकि कंबशन आपका एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट देयर इज अ गेन इन मास ऑन ऑक्सीडेशन। एक एक्सपेरिमेंट आपको डिस्क्राइब करना है ठीक है, एक्सप्लेन करना है, जिसमें आप ये बताएंगे कि जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें मास जो है गेन होता है, यानी कि जितना आप रिएक्टेंट्स के टाइम पर लेते हो जब प्रोडक्ट निकल कर आता है आप पर, तो उसमें मास जो उसका वेट होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो एम में आपको ये लिखना है, टू प्रूव दैट देयर इज गेन इन मास ऑन ऑक्सीडेशन। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको, मैग्नीशियम रिबन चाहिएगा, एक वॉच ग्लास, एक वेइंग बैलेंस, बर्नर और पेयर ऑफ टोंग्स ठीक है। ये सभी सामान आपको चाहिए, मटेरियल्स चाहिएंगे। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, वेट दी एम्प्टी वॉच ग्लास, एम्प्टी वॉच ग्लास को वेट करिए पहले ठीक है, कुछ नहीं रखना आपको वॉच ग्लास में, और उसके वेट को रिकॉर्ड कर लीजिए यानी कि लिख लीजिए। टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड वेट इट, और अब मैग्नीशियम रिबन का पीस लीजिए और फिर उसका वेट कीजिए, फिर उसे भी रिकॉर्ड कर लीजिए। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स,
मैग्नीशियम रिबन को एक टोंग्स के पेयर से क्या कीजिए, आप होल्ड कीजिए, पकड़िए और इग्नाइट इट, और उसे बर्न कीजिए बर्नर को यूज करके। होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर द वॉच ग्लास। अब वो जलते हुए मैग्नीशियम रिबन को आपको होल्ड करना है वॉच ग्लास के ऊपर, इस तरीके से होल्ड करना है कि जो सारा उसका व्हाइट ऐश है, जो जलता जलकर राख जो आ रही है, वो सारी उस वॉच ग्लास में गिरे। ठीक है, फिर वॉच ग्लास को फिर से उस ऐश जिसमें इकट्ठी हुई है उस वॉच ग्लास को आप क्या करिए, मीजर कीजिए, उसका वेट देखिए। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो जो ऐश बनी वो आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी, उसका वेट देखिए। ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड इज मोर देन द वेट ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आप ये देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का जितना वेट था उससे ज्यादा आया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो आपको ये प्रूफ करता है दैट देयर इज अ गेन इन मास व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद मेटल्स। मैग्नीशियम आपका मेटल हो गया, तो यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी कि एक जब ऑक्सीजन मेटल्स के साथ कंबाइन करती है तो मास जो है गेन होता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है, तो यही हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ कैन ऑक्सीजन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम एयर। एयर से हम ऑक्सीजन को कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। डायग्राम ये रहा आपका, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फिलिंग सिलेंडर्स एंड फॉर अदर पर्पजेज बाय लिक्विफैक्शन फॉलोड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एयर को मैन्युफैक्चर किया जाता है लार्ज स्केल पर सिलेंडर्स फिल करने के लिए और दूसरे पर्पजेज के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब प्रोड्यूस किया जाता है एयर को, ऑक्सीजन को। कैसे करते हैं, पहले लिक्विफैक्शन करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं एयर का। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एयर को सबसे पहले फिल्टर्स के थ्रू पास किया जाता है, ठीक है, ये फिल्टर होते हैं जहाँ से करा था हमने पास की एयर, जिससे डस्ट जैसे और जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे एयर में से। फिर एयर को कूल किया जाता है हाई प्रेशर के अंडर, जिसमें एयर जो है वो लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद जो कूल्ड एयर है, जो ठंडी एयर है, वो क्या हो गई, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो होते हैं ठंडी होने पर वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं और एयर से रिमूव कर दिया जाता है उन्हें, ठीक है। जब एयर कूल हो गई फिल्टर आउट करने के बाद, जब हाई प्रेशर के अंडर एयर कूल हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में होने के बाद उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो लिक्विड एयर होती है, इट इज अलाउड टू चेंज इनटू वेपर्स, वेपर्स में उसे कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है, और उसमें जब लिक्विड नाइट्रोजन होता है वो सबसे पहले बॉइल हो जाता है अपना टेम्परेचर आने पर, लिक्विड नाइट्रोजन सबसे पहले बॉइल हो जाता है और उसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन बच जाता है वहां पर। फिर लिक्विड ऑक्सीजन को वेपराइज करवा दिया जाता है, वेपराइज करने के बाद वो गैसियस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है और वो गैसियस ऑक्सीजन को सिलेंडर्स में फिल कर लिया जाता है, जिससे कि हम उसे यूज कर सके। ये रहा लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पर, तो उसे वेपराइज करके गैसियस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से एयर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्रॉम एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम टू एक्सप्लेन हाउ ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आपको एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है जिसमें ये एक्सप्लेन करना है कि ऑक्सीजन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से। एम हो जाएगा आपका टू प्रिपेयर ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको, ग्रेफाइट रॉड्स, एक प्लास्टिक बीकर, टेस्ट ट्यूब्स, सल्फ्यूरिक एसिड, इंसुलेटेड कॉपर वायर और एक बैटरी। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, प्लास्टिक बीकर जो लिया था आपने उसमें दो होल कीजिए और उसके अंदर ग्रेफाइट रॉड्स को इंसर्ट कर दीजिए, जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है। फिर ग्रेफाइट रॉड्स को बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ये बैटरी दिखाई हुई है आपके, ठीक है, ग्रेफाइट रॉड्स को कनेक्ट कर दिया ये पूरा। फिर जैसे ही करंट पास होगा तो आप देखेंगे कि ग्रेफाइट रॉड्स पर कुछ बबल्स बनेंगे, बबल्स बन रहे हैं यानी कि गैस फॉर्मेशन हो रहा है। इन्वर्ट द टू टेस्ट ट्यूब्स ऑन द ग्रेफाइट रॉड्स टू कलेक्ट द गैसेस। जो आपने दो टेस्ट ट्यूब ली थी तो एक टेस्ट ट्यूब, एक रॉड पर एक टेस्ट ट्यूब को आप इन्वर्ट करके रख दीजिए, ठीक है, उल्टा। फिर क्या करना है, टेस्ट द गैसेस विद अ बर्निंग स्प्लिंटर। बर्निंग स्प्लिंटर से गैस को टेस्ट कीजिए। The gas that is collected from positive electrode rekindles the glowing splinter. तो जो गैस आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट हुई है वो ग्लोइंग स्प्लिंटर से क्या हो जाएगी, स्पार्क क्रिएट करेगी। तो इससे आपका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो गैस कलेक्ट हुई है आपकी वो कौन सी गैस है, आपकी ऑक्सीजन है।
तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करके ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है जब ऑक्सीजन मेटल और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, एग्जाम्पल्स के साथ क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मैनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जो है बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है उनके ऑक्साइड्स बनाने के लिए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मोस्ट मेटल्स जैसे आपका सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल हो गया आपका सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये तो हो गए आपके मेटल्स के साथ। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। ऑक्सीजन अगर नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होगा तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाकर बनते हैं वाटर, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सो गाइस ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हुआ, और इसके साथ हमारी पूरी केमिस्ट्री की बुक कंप्लीट हो चुकी है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सभी चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर्स आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सीरीज में सब अपडेटेड है। आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, सारी वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।